हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटी, ये हम आज क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट मैथ है हमारा। ये सब हमने कल प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी बेटे मल्टीप्लाई के सम है, और मैं बता दूँ जैसे तीन पार्ट्स ये है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और टू ये है पार्ट डी और ई। ये फाइव सम्स है बेटे, ये फाइव सम्स हम आज करेंगे। तो मैं एक सम आपको करके दिखा देती हूँ, सभी मल्टीप्लाइज के हैं। ये पार्ट ए है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ए डे। तो क्वेश्चन है हमारा बेटे कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए मिनट्स से पहले कि एक दिन में हावर्स कितने होते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि एक दिन में मिनट्स कितने होते हैं। तो हाउ मैनी हावर्स इन ए डे, 24 आवर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ इसका। ये हमारा क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 हमारा चल रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ही इसका। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे बेटे, स्टेटमेंट हम लिखेंगे आवर्स इन ए डे, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो फिर हम करेंगे मिनट्स इन वन आवर, और वन आवर में मिनट्स कितने होती हैं, 60। तो अब हमें इजीली पता चल जाएगा वन आवर में 60 मिनट्स होती हैं, तो 24 आवर्स में कितनी होंगी, और जो 24 आवर्स में होंगी इट मीन्स वो वन डे में होंगी। तो अब देन मिनट्स इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितनी होंगी, हम करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 24। फिर हमने 60 को और 24 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा 1440। तो ये मिनट्स हैं हमारी, ठीक है, वन डे में इतनी मिनट्स होती हैं। तो हम आंसर लिखेंगे 1440 मिनट्स इन ए डे। ठीक है, मैं इसको देखो आप अच्छे से इसको समझें, मैं ऐसे वीडियो को पॉज कर रही हूँ बेटे। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझें, और बाकी जो उधर समय वो भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई के हैं, और अपनी नोटबुक में करें, सॉल्व करें और समझें इनको। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल कर लें, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो इस तरीके से वीडियो पॉज करें ऐसे ये, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, इन बाकी जो अदर सम्स हैं फोर सम्स, इनको आप स्वयं करेंगे। जैसे पार्ट बी है, इफ़ 3700 चॉकलेट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे, अगर एक दिन में 3700 चॉकलेट्स बनाई जाती है, तो हाउ मैनी चॉकलेट्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ में कितनी चॉकलेट्स तैयार हो जाएंगी, तो मार्च मंथ का मतलब है 31 डेज, है ना, क्योंकि मार्च में हाउ मैनी डेज इन द मंथ ऑफ मार्च, 31। तो हम इसको 31 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और स्टेटमेंट हम लिख देंगे। तो इस तरीके से जिन बच्चों के पास बेटे बुक्स ना हो, वो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके और ऐसे स्टेटमेंट को उतार लें इसको सम को अपनी बुक में, फिर आप सॉल्व करें। और कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल कर लें। पार्ट सी है ये, जैसे ग्लोबल पब्लिक स्कूल हैज़ 1958 स्टूडेंट्स। ग्लोबल पब्लिक स्कूल में 1958 स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स पे रुपीज़ 5647 ईयरली, और हर बच्चा साल में 5647 रुपीज़ पे करता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इन द होल ईयर, तो पूरे साल में कितने रुपए आएंगे। एक बच्चा इतने रुपए देता है एक साल में, तो 1958 स्टूडेंट्स कितने रुपए देंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट आप बनाएंगे। ठीक है, ये पार्ट सी। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको उतार लें सबको अपनी बुक में, फिर सॉल्व करें। डाउट हो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा पार्ट डी, ए डिज़ाइनर सूट कॉस्ट रुपीज़ 3856। एक डिज़ाइनर सूट की कीमत है 3856। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 230 सूट्स, तो 230 सूटों की क्या कीमत होगी, हम इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देर आर 2215 पेजेज इन ए बुक, एक बुक में 2215 पेजेस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेज इन 705 सच बुक्स, तो इस प्रकार की 705 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेटमेंट आप ठीक से लिखें बटे, ठीक है ना। मैं ऐसे वीडियो पोज कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो इस तरीके से यहाँ से अपने इनको उतार लें, सम्स को उतार लें अपनी नोटबुक में, फिर आप सॉल्व करें ऐसे। ये दो सम है डी और ई, और थ्री सम्स इधर है बेटे, जिनमें से एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया पार्ट ए वाला, बी और सी आप स्वयं करेंगे। इस तरीके से आप वीडियो पॉज करें और इनको उतार लें, ठीक है। और ये आपका ये सॉल्यूशन है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटे कॉल कर लें, ओके। और कल मिलते हैं कुछ नए सम्स के साथ, तब तक के लिए बाय।